पीपल फार्म में हम एक एनिमल रेस्क्यू चलाते हैं इस रेस्क्यू में हर समय 20 से 30 के बीच में कुत्ते होते हैं तो इनके लिए खाना हम यहीं बनाते हैं और मूल रूप से इसमें होते हैं चावल और दाल दोनों बराबर मात्रा में तो चावल तो हम देसी चावल ही लेते हैं परमल और जो दाल है वो कोई भी दाल जो आसानी से गल जाए जैसे आपकी पीली मूंग हो गई या अरहर तो इससे तो आपका मोटा मोटा खाना तैयार है उसके बाद हम इसमें डालते हैं जो भी सीजनल सब्जियां रहती हैं तो सर्दियों में हम डाल देते हैं गाजर और पालक कई बारी चुलाई अगर पालक ना मिले तो और गर्मियों में हम डालते हैं कद्दू या घिया अगर आपको शकरकंदी मिल रही हो सर्दियों में या गर्मियों में तो आप शकरकंदी भी डाल सकते हैं आप गोभी नहीं डाल सकते इससे उनको गैस हो जाती है उसके बाद इसमें और न्यूट्रिशन के लिए हम क्या करते हैं कि गर्मियों में हम डालते हैं नारियल का तेल और सर्दियों में हम डालते हैं अलसी का तेल इसके अलावा हम थोड़ी सी हल्दी डालते हैं ताकि उनको थोड़ा विटामिन भी मिलते रहें और उनकी इम्यूनिटी बढ़े साथ ही में हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पहाड़ी नमक उससे थोड़ा इसमें मिनरल भी मिल जाता है और उनको थोड़ा खाना स्वाद भी लगता है और थोड़ी सी शक्कर ये जो हुआ आपका गुड़ पाउडर इसके अलावा अगर हमारे यहाँ तो कुत्ते वीगन हैं पर अगर जैसे जो रेड़ी पे अंडे वगैरह बेचते हैं अगर आप उनसे अंडे के छिलके ले लें जैसे वो उबले अंडे बेचते हैं छिलके वो रखते हैं अगर आप वो छिलके ले लें इन छिलकों को आप धो के सुखा सकते हैं और सुखा के इसको आप एक ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना सकते हैं इस पाउडर को आप छान लें ताकि कोई टुकड़ा अगर ग्राइंड नहीं हुआ तो वो निकल जाएगा तो ये जो पाउडर है ये कैल्शियम और पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है मार्केट में जो कैल्शियम की गोलियाँ मिलती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा तो इससे आपका ये पूरा मोटा मोटा खाना तैयार है इसके अलावा जो इसमें एक कमी है वो बी ट्वेल्व की है तो उसके लिए आप न्यूरोबायोन की गोली जो है वो हर कुत्ते के खाने में ऐड कर सकते हैं अगर आपके यहाँ वेस्ट जैसे कोई चिकन वगैरह फेंकता है मैं नहीं कहूँगा आप खरीदें पर अगर कोई फेंकता है तो आप उसका सूप भी बना के डाल सकते हैं इसके अलावा जो एक बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कुत्तों को खाने में क्या ना दें वो आ जाता है आपका अंगूर चॉकलेट लहसुन प्याज़ किशमिश ये चीज़ें आपको नहीं देनी और एक चीज़ और जैसे हमें अगर सर दर्द हो या कुछ बीमारी हो तो हम जैसे कुत्तों की दवाई नहीं लेंगे इसी तरह कुत्तों को भी इंसानी दवाइयाँ मत दें अगर कोई तकलीफ़ है तो कृपया अपने वेट से पूछें कि इसको क्या दवाई देनी चाहिए एक और बात काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम एक वीडियो फर्स्ट एड पर बनाएं तो हमने वो वीडियो बनाया है ताकि जो बेसिक वूंड ट्रीटमेंट है आप घर में कर सकते हैं ये वीडियो अगले हफ्ते आएगा मेक श्योर sure कि फेसबुक आपको नोटिफाई करें देख लीजिएगा आपने हमारा पेज लाइक कर रखा है और सब्सक्राइब कर रखा है ताकि ये वीडियो आपका मिस ना हो